अपने भारत देश के गौरवशाली इतिहास को बयां करने वाले बिहार में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर आप बिहार के नजदीक ही कहीं हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो आपकी ये तलाश मैं पूरी किए देता हूं। तो हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार के आसपास कुछ बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हर तरह के पर्यटकों के लिए मेन अट्रैक्शन के केंद्र में से एक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं उन हिल स्टेशनों के बारे में जिसकी तलाश ना जाने आपको कब से थी। सो आर यू ऑल एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये है ही इतना फेमस। यहाँ की खूबसूरत चाय की बगाने, धुंध की चादर में लिपटी हुई जगह और हरियाली से भरपूर ये खूबसूरत शहर तो बड़े से बड़े करवाहट वाले इंसान के दिल में भी प्यार भर देता है। और आप तो फिर भी बड़े दिल वाले हैं। ये बिहार के नजदीक सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक जगह के बारे में मैं आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो इसे भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे तो ये शहर अपने शांतिपूर्ण मठों, औपनिवेशिक युग के चर्चों और विशाल चाय के बगानों और यूनेस्को सूचीबद्ध टॉप टॉय ट्रेन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि एक ओर तो यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ आपको क्रेजी करने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर शांति के कुछ यादगार पल बिताने के लिए यहाँ के बौद्ध मठ आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी हिमालय पर्वत की तलहटों में बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है। और दोस्तों, यहाँ पर आप प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ शहरी सांस्कृति का अनोखा तालमेल देख पाएंगे। अपने आप में परिपूर्ण सिलीगुड़ी सिटी की सारी आधुनिक सुविधाओं से तो लैस है ही, साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि चाय की खूबसूरत बगान और बर्फ से ढके हिमालय पर्वत से घिरा हुआ ये शहर प्रकृति का अद्भुत छटाओं का एक नमूना पेश करती है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कई जगह मिल जाएंगे जिनमें वन्य जीव अभयारण्य और सालुग्राम मठ जैसी जगह फेमस हैं। तीसरे नंबर पर है कलिम्पोंग। दुनिया भर के पर्यटकों के फेवरेट हिल स्टेशनों में से एक है पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग। बस आप इतना समझ लीजिए कि 4100 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये हिल स्टेशन हरे भरे चाय के बगानों, हिमालय पर्वत और उससे आगे की घाटियों के खूबसूरत सीन को प्रेजेंट करता है। और ये जगह बिहार के नजदीक भी है, इसलिए बिहार के पास सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों की लिस्ट में ये शुमार है। और दोस्तों, यहाँ पर आप घूमने के लिए दुर्पिन तारा हिल, नेओरा वैली नेशनल पार्क, देवोलो हिल, कैक्टस हिल और मॉर्गन हाउस के अलावा भी कई जगहों पर जा सकते हैं। चौथे नंबर पर है पेलिंग। सिक्किम की पहाड़ियों में बसा ये एक छोटा सा शहर है जो समुद्र तल से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर है। पेलिंग हेलीपैड की मदद से आप हिमालय और कंचनजंगा के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों को देख सकते हैं। इस खूबसूरत छोटे से शहर में कई प्राचीन मठ, रिम्बी जलप्रपात, कंचनजंगा जलप्रपात जैसी जगह घूमने के लिए मौजूद हैं। पांचवें नंबर पर है हजारीबाग। वैसे तो हजारीबाग झारखंड के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन चूंकि ये बिहार से काफी नजदीक है, इसलिए बिहार वासियों के लिए तो ये बेस्ट हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ जाकर आप अपने वैकेशन को यादगार बना सकते हैं, और अगर आप नेचर के आगोश में खुद को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार तो आपको हजारीबाग जरूर जाना चाहिए। और यहाँ पर घूमने के लिए हजारीबाग नेशनल पार्क, राजरप्पा मंदिर, हजारीबाग झील, कोनार बांध और कैनरी पहाड़ियाँ काफी फेमस है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जगह कितनी ज्यादा मजेदार है जो कि बिहार के नजदीक है? तो फिर किस बात की है देर, अभी निकलना है तो निकल पड़िए, नहीं तो अगर आप गर्मी का थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं और अपने वेकेशन को यादगार बना सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज हर बार की तरह, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वरकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।